सेना और निशानेबाजी में झंडा बुलंद करने के बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब सियासी मैदान में कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी से लोहा ले रहे हैं। राठौड़ बीजेपी और जोशी कांग्रेस के टिकट पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से मैदान में हैं। राठौड़ की उम्मीद मोदी लहर पर है तो जोशी की उम्मीद जातीय समीकरणों पर टिकी हुई है। ओलंपिक में डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रचने वाले कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का टारगेट अब बदल गया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राठौड़ कभी किसी कस्बे में पैदल घूमकर तो कभी युवाओं के साथ बाइक पर बैठकर जीत पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। खूबी ये है कि इस चुनाव में वो तो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन वो खुद को वोट नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ के मतदाता नहीं है। मैं अपने आप को वोट दे सकता हूँ, मैं यहाँ का मतदाता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी भी प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। जोशी हर नुक्कड़ सभा में वोटरों और समर्थकों को समझाते दिखे कि मोदी की हवा नहीं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता का उत्साह है यहाँ पर कोई चुनौती है। तो उत्साह उस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर मोदी की रेल नहीं है। मोदी की जो है वो जो सोकाल वेव कह रहे हैं आप, वो दूरदर्शी ये मीडिया का क्रिएशन है। लेकिन इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया के खिलाफ नाराजगी जोशी की मुश्किल बढ़ा सकती है। हालांकि वोटरों को किसी के भी वादों और दावों पर ज्यादा यकीन नहीं है। ये जो वादा कर रहे हैं आपको लगता है कि पूरा करेंगे? अब ये तो साहब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत से वादे कर जाते हैं, करते हैं नहीं करते। अरे वोट खा कर सब हाथ जोड़ जोड़ बात के पास एक भी हाथ हुआ वो नहीं जा रहा। देखना क्या हो रहा है, काम के ना हो रही बता। लहर है इसके लिए यहाँ पर बीजेपी आएगी। चार महीने पहले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी ने 8 में से 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार जोशी और राज्यवर्धन की खुद की छवि तो असर डालेगी ही, लेकिन साथ साथ क्षेत्र के जातीय समीकरण भी निर्णायक हो सकते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी आसान सीट समझकर भीलवाड़ा को छोड़कर जयपुर ग्रामीण से मैदान में कूदे, लेकिन शूटर राज्यवर्धन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया। जोशी के समर्थन में अशोक गहलोत अब कैंपेन कर रहे हैं, बावजूद सीपी की राहें इतनी आसान नहीं। भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आमेर, IBN 7।